राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो जय श्री राधे जय श्री राधे। मनुष्य गुणमय पदार्थों को प्राप्त करके जब उनकी प्राप्ति प्राप्ति समझता है वहीं नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ है प्रभु की कृपा है, ये प्रश्न किया है किसी ने। हम लोग गुणमय पदार्थों को पाने के बाद प्रसन्न होते हैं या गुणमय पदार्थों के जाने के बाद खिन्न होते हैं, उदास होते हैं। यही हमारा पतन है। इसीलिए भगवान ने कहा यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय। गुणमय पदार्थों को पाने के बाद मन में हर्ष होना ये पतन है और गुणमय पदार्थों के जाने के बाद मन में दुख होना ये पतन है। लेकिन जीव इस बात को समझ नहीं पाता। कल एक व्यक्ति आए थे, और उनकी स्त्री बड़ी अच्छी गायिका थी। उनकी मृत्यु हो गई तो बड़े दुखी आके रोने लग गए। और इतने रोए, आश्चर्य तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी, एक पुरुष जब इतना रोता है तो थोड़ा सा आश्चर्य तो होता ही है। लज्जा छोड़ करके और उनके साथ और कई प्रतिष्ठित लोग थे, तो विरह आदमी को पागल कर देता है। ये कल हमने अनुभव किया। और बहुत विकलता देख करके हमने उनसे कहा भाई तुम रोते हो, इतने ज्यादा रोते हो। बोले क्या करें महाराज, दिन नहीं चैन, रात नहीं कुछ। हमने कहा इससे होगा क्या? इस रोने की जगह कुछ तुम्हारा अपनी स्त्री से प्रेम था, वो बड़ी अच्छी गायिका थी, ग्वालियर घराने की थी, और यहां आ चुकी थी।
हमने कहा रोने की जगह तुम्हारा आगे इतना प्रेम है तो उनके कल्याण के लिए कुछ करो। प्रेम क्या है? प्रेम एक स्वार्थ नहीं है। संसार में प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। वो आदमी चला गया, उसका शरीर चला गया और हम रो रहे हैं। तो गुणमय पदार्थों से आसक्ति होने का फल है दुख। ये शरीर गुणमय पदार्थ है, हमने कहा इससे अच्छा तुम अपनी स्त्री के लिए सप्ताह करो, इससे उनका कल्याण होगा और उनकी विरह की दशा देख करके हमको कहना पड़ा अगर तुम्हारे पास सप्ताह के लिए पैसा नहीं है तो हमारे पास से ले जाओ। वो संपन्न थे ऐसा नहीं, हमने वैसे ही कह दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी बात मानेंगे। हमने कहा कल्याण तो भगवान के नाम गुण रूप लीला से होता है, रोने से तो और उसको कष्ट मिलेगा और तुमको भी मिलेगा। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को यही कहा था, अशोच्यान्नन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश बाशसे। दूसरे अध्याय में 11वां श्लोक है, गतासु नगतासुंश नानुशोचन्ति पंडिता। तू प्रज्ञावान बुद्धिमानों की तरह बोलता है, प्रश्न करता है। पंडित वही है जो गतासुन जो मर गए और जो जीवित हैं, अगतान माने जो जीवित हैं उनके लिए शोक नहीं करता। मान लो अपना बच्चा है और दुखी है तो उसके लिए हम शोक कर रहे हैं, अपनी स्त्री है अपना पति है किसी के लिए शोक करना अज्ञान है। शोक से दोनों तरफ नुकसान होता है, जो मर गया है वो भी जहां उसकी सूक्ष्म शरीर होगा हमारे कर्मों का वहां तक प्रभाव पड़ता है। एक जगह लिखा है कि जब जीव जितना रोता है उतना ही विकलता उसको भी होती है जो मर चुका है। हम रोते हैं तो खुद तो दुखी होते हैं और जो मर गया है उसको भी कष्ट देते हैं। और जब रोने के जगह हम कुछ सत्कर्म करते हैं, भगवान की कथा भागवत सप्ताह वगैरह, तो उससे उस जीव को लाभ होता है, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ये नियम है कि हर आदमी रोता है, यही माया है।
ये पूरा ज्ञान है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। गोकर्ण ने कहा था चौथे अध्याय महात्म्य, पचास के बाद होगा, है 76, कि पिताजी मोह से नरक होता है, जो रोता है वो भी नरक को जाएगा, जिसके लिए रोता है वो भी नरक को जाएगा। मोह के दो पक्ष होते हैं, जिससे मोह करते हो, एक जिसके लिए मोह किया और जिस जो मोह करता है, कर्ता और कर्म दोनों नरक के भागी होते हैं। इसलिए अपनी सोचो, निपतिष्यति देहोयम, हम थोड़ी देर में हम भी मरने वाले हैं। सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाओ, जंगल में, क्योंकि वहां भगवान का स्मरण करोगे। अभी चले जाओ, उन्होंने वैसे ही किया, तुरंत चले गए और दशमस्य पाठात भगवान के भजन में लग गए और भगवान की प्राप्ति किया। इसलिए संसार में ये है 4/81 एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय। बेटा की बात उन्होंने मान लिया। सुतोक्ति मने अपने बेटे की बात को मान करके उसके वश में, गृहं विहाय, घर छोड़ दिया। उस समय उनकी 60 से ज्यादा उम्र थी, या तो बनम स्थिर मतिर गत 60 वर्ष, साठ साल से ज्यादा, गत मने चले गए थे, यानी 60 से ऊपर थे, 70 के आसपास होंगे या 80 के आसपास होंगे। लेकिन उनकी बुद्धि स्थिर हो गई, और जो रोते थे बेटे के लिए वो सब छूट छाट गया। युक्तो हरे रनुजम परचर्यासौ, वहां भगवान की प्रतिदिन सेवा करने लग गए, और श्री कृष्ण माप भगवान की प्राप्ति कर लिया। दशमस्य पाठात, दशम स्कंद भगवान की लीलाओं का पाठ किया, उस पाठ में न किसी की याद थी, न दुख था, न आसक्ति थी, कल हमने जो बताया था कि
भगवान की शरणागति क्या है, भगवान ने स्वयं कहा 18वें अध्याय में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसकी शरण में जाओ अंतर्यामी भगवान की। सर्वभाव से जाओ, सर्वभाव माने अभी यही बात हम बता रहे थे, मुरली को फोन पर, कि एक श्लोक है कपिल भगवान ने कहा है, चेता खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम। तीन पच्चीस पंद्रह, ये मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। गुणमय पदार्थों में आसक्त है तो बंधन है, और पुंसी भगवान में आसक्त है तो मुक्त है। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय। गुणों में मन फंस गया है तो बंधन है, चाहे साधु बन जाओ चाहे संत बन जाओ। गुण क्या है, ये पदार्थ चर अचर सब गुणमय है। जैसे जमीन जायदाद मकान ये सब गुण हैं, ये चर गुण हैं। अचर गुण क्या है, स्त्री पुत्र परिवार माँ बाप भाई जीव। गुण में पदार्थों के दो भेद हुए, चर और अचर। हम साधु बन करके मान लो घर छोड़ के आए तो गुणमय अचर पदार्थों को छोड़ा, और यहां भी अगर याद कर रहे हैं कि हमारे बेटे का क्या होगा बेटी का क्या होगा, तो गुणमय चर पदार्थों में आ सकते हैं। ये जीव जितने हैं संसार में, चाहे माँ हैं चाहे बाप हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे बेटा हैं बेटी हैं, ये चरमय गुणमय पदार्थ हैं। केवल घर छोड़ना ही काफी नहीं है, घर छोड़ा अचर पदार्थ है। अचर माने जड़ है, चलने वाला नहीं है, इससे कठिन है चर पदार्थों को छोड़ना। हम यहां साधु बन गए, मान लो हमारी बहू नहीं बेटा नहीं स्त्री नहीं पुत्र नहीं मां नहीं बाप नहीं, लेकिन कोई शिष्य है उसमें हमारी आसक्ति है तो वो चर पदार्थ है, देख रहा है चल रहा है बोल रहा है चेला है। अचर पदार्थ को छोड़ करके आए और चर पदार्थ में फंस गए। घर छोड़ा वहां भी माँ बाप थे,
चर पदार्थ थे। मकान छोड़ा अचर पदार्थ है। यहां आकर के शिष्य बनाए, शिष्या बनाए, ये चर पदार्थ है। आश्रम कुटिया बनाया, अचर पदार्थ है। चर में अचर में ये सब गुणमय है, इसलिए हम लोग धोखे में मारे जाते हैं कि हम तो घर छोड़ के आए, जमीन छोड़ के आए, ज्यादा छोड़ के आए। तुमने जो छोड़ा अचर पदार्थ छोड़े, यहां चर पदार्थों में फंस गए। अभी हम देख रहे थे ऊपर, सवेरे जब उठे तो टहल रहे थे, दो संत आपस में झगड़ रहे थे। और उनको लोग समझा रहे थे, समझ नहीं रहे थे। एक कह रहा, तूने गालियां दिए। अरे अब तुम साधु बन गए हो तो साधु बनने के मतलब की सब कुछ छोड़ा, व्यवहार भी छोड़ दो। कोई गाली दे रहा है देता रहेगा, तुमने उसको आरोप बांध रखकर अपने हृदय में गालियां दी, ये क्या है? विवेक नहीं है। हम लोग घर से निकले हैं, साधु बन गए हैं और चर और अचर सभी पदार्थों में ये भाव रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान है। देखो यही बात पांचवें स्कंद में कही गई है, पांच पांच छब्बीस, सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः। सब जितना संसार है ये भगवान का निवास है। दो तर्क है, चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि। एक तो चर भूत दिखाई पड़ रहे हैं, स्त्री पुत्र बेटा बेटी, और एक ध्रुव, ध्रुव माने जो नहीं चलने वाले। चर और अचर, चराणी भूतानी माने चलने वाले, ध्रुवाणी माने अचर। चर और अचर सब भगवान है। संभावितव्यानि पदे पदे वो, सबका सम्मान करो। ये मेरी सबसे बड़ी तदुहारणम में, मुझे भोग लगाओगे घंटी बजाओगे उससे मेरी सच्ची पूजा नहीं है। सच्ची पूजा है अरहणम में, चर अचर सब भगवान है ये मान लो। और ये नहीं है तो भगवान की पूजा नहीं है। अब किसी ने गाली दिया तुमको,
तो उसका सम्मान करो। संभित संभावित अज्ञानी मैंने उसका सम्मान करो। बेड़ा पार है। माया तुमने जीत लिया इतने से ही, लेकिन अज्ञान ऐसा है, कोई समझा रहे हैं, तीन चार आदमी समझा रहे थे, ये भी देख रहे थे, राधाकांत भी उस समय पहुंच गए थे, इन्होंने आवाज दिया सुनील को, भाई इनको समझाओ। अरे अब हम क्या साधु बने हैं, ये साधुता कहें, कहां है हमारे में? एक कपड़ों में साधुता नहीं होती है। हमारा मन तो आसक्त है, चेता कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय। हमारा मन तो गुणों में आसक्त है, चर अचर सब गुण है, इसलिए न हम साधु हैं, न थे, न है, न हो सकते हैं। लेकिन ये बात अगर कही जाए तो वहां लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को गुणमय पदार्थों में से छूटना ही मुक्ति है, भगवान में लगना है। लेकिन मन छूट नहीं पाता है। और इस तरह से भगवान की उपासना ही नहीं हो पाती। अब वो बेचारे जिनकी स्त्री मर गई रो रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है स्त्री मर जाती है, पैसा वाला है, दूसरा ब्याह करता है। कल जो है वृंदावन में 27 जोड़ों का विवाह था, जिसमें हम खुद भी गए थे आशीर्वाद देने, तो दो लड़कों की पत्नियां नहीं आई। अच्छा, घंटों तक प्रतीक्षा होती रही, दो तीन चार घंटे हो गए। हमने पूछा भाई कहाँ है तुम्हारी, आ रही है कि नहीं आ रही? बोले साहब फोन नहीं लग रहा है। बाद में वो बहुत खिल गया, बोले उसके मत पूछो, फोन बंद और आंखों में आंसू उसके टपक रहे थे। ये स्थिति है नहीं आई तो उसकी तो रो क्यों रहे था, उसका प्रेम होगा। मतलब नहीं आएगी तो ब्याह नहीं होगा हमारा। कल ये गए थे, 27 जोड़ों का ब्याह था और इनको बुलाया गया वहां आशीर्वाद देने के लिए। मतलब तुम नहीं थे, मतलब बड़े बड़े संत थे। तो अब वो भाई तुमने जो कुछ कहा होगा तो कहा होगा, लेकिन हम तो अगर हम जा ही नहीं सकते पहले, तो हमने तो अभी आज सवेरे कहा मुरली से कि तुमको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जहां अभी कथा भई थी नॉर्थ कैरोलिना में, पता नहीं किस मोहल्ला क्या है, वहां 50 आदमियों का इंतजाम था भोजन का,
और 50 की जगह दूसरे दिन 100 आ गए। अब 100 का इंतजाम किया गया बैठने का खाने का, तो तीसरे दिन 150 आए, बढ़ते बढ़ते 250 हो गए। और उस मैनेज उस मंदिर का मैनेजर देखने आया कि कौन सी लड़की है, इतनी भीड़ी आज तक न मुरारी बापू की कथा भई न ओझा जी कथा भई। तो हमने सुना कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भई है, तो कहना पड़ा हमको तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। इस खतरे से अगर बच जाओगे तो ठीक है, नहीं तो बचना मुश्किल है। हर कथावाचक इसकी सफलता को अपनी प्राप्ति मान लेता है। और प्राप्ति के बाद क्या होता है, रामायण में निकालना, बहुत बड़ा खतरा है। बाल कांड में भी आता है, गोसाई जी ने दो जगह लिखा है, एक दो जब भगवान रावण बार बार रावण का सिर काट रहे थे, लंका कांड में 100 के आसपास होगा, काटे सिर फिर बढ़ जाई, काटत बढ़े सी समुदाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। 101 है संख्या, याद नहीं रहती क्या करें। तो वो जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। हर कथावाचक इसी में मारा जाता है। यहां गाड़ी जम गई, अब लोभ हो गया, प्राप्ति तो भई लेकिन लोभ पैदा हो गया उसके बाद। और एक बाल कांड में है, हैं 180, नित नूतन प्रति बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो ये जैसे जैसे मनुष्य की प्रसिद्धि बढ़ती, सफलता होती, लोभ बढ़ जाता है। और इसी चक्कर में बड़े बड़े महात्मा मारे जाते हैं, उनकी प्रसिद्धि हो गई, लोभ बढ़ गया। लोभ बढ़ने के बाद क्या होता है, सातवें स्कंद में एक श्लोक आता है, असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यश, सर्वतीन्द्रिय लौल्येन ज्ञानम चैवावकीर्यते। हैं 7, 15, 19 है। हर बड़ा बड़ा महात्मा कथावाचक इसी मारा जाता है। लोभ बढ़ गया तो असंतुष्ट हुआ, और मिल जाए, क्योंकि लोभ बढ़ेगा ही अवश्य, जैसे जैसे प्राप्ति होती है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है।
प्राप्ति के बाद लोभ घटता नहीं, बढ़ता है। और लोभ बढ़ा तो असंतोष आया, फिर उसका तेज, उसकी विद्या, उसका तप, यश सब नष्ट हो जाता है। ये हर व्यास, हर कथावाचक तेजस्वी नामी महात्मा के साथ ये बात जुड़ी हुई है। और एक दिन वो बिल्कुल संपूर्ण नष्ट हो जाता है। यहां तक कि कबीरदास लिखा है, माया महा ठगिन हो जानी, ये छोड़ती नहीं है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, तुम क्या करोगे? बोले साधु बन जाएंगे। तो बोले जोगी की जोगिन हुए बैठी, वहां भी माया पहुंच गई। और यहां तक के मंदिर में मूरत है बैठी, तीर्थ में भई पानी। मंदिर में सेवा कर रहे हो, मूर्ति माया पहुंच गई उसमें, उसमें घंटी घुमा रहे हो, सोच रहे हो कितना चढ़ा पैसा। तीर्थ में गए, वहां इतना दान होगा, इतना होगा, तीर्थ में जल जो है माया है, मंदिर में मूर्ति माया है। मूर्ति माया क्यों है? कि हमारे भीतर माया है, लोभ है। तो इसलिए हमने कहा कि तुमको बहुत बड़ा खतरा है। इस सफलता में संतुष्ट नहीं हो जाना, खुश नहीं होना कि रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। अब वहां नॉर्थ केरलानिया जाने क्या है प्रांत का नाम, उन लोगों ने कहा अब जब अगली बार आएंगी मुरली जी तो ये हॉल छूटा है, हम स्पेशल हॉल को ही वहां इंतजाम करेंगे। तो सुन करके हम चुप रहे। और लेकिन सावधान कर दिया कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ा खतरा है मुरली, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ये संसार की प्राप्ति लोभ अवश्य पैदा करती है। जहर खाओगे तो मरोगे जरूर, और वहां नहीं पहुंच पाओगे जो भगवान को ने कहा, यो न हृष्यति न दुष्टि। अब जैसे कल कह रहे हैं दो बच्चे रोने लग गए, उनकी बहुएं नहीं आई। अब नहीं आई तब रो रहे हैं, आ जाएगी तब रोएंगे। क्योंकि जगत है लाडू भूत का, दोनों विध पछताए, एक खाए पछतात है, एक बिन खाए पछताए। जिसकी बहू नहीं आई रो रहा है, और आने के बाद तो जन्म भर रोएगा। आसक्ति हो जाएगी और मरते समय तक आसक्ति नहीं छूटेगी। आत्मा अजर प्रसंगम अजरम पाशम। अब वो बेचारे जिसकी बहू मर गई रो रहा था कल, तो हमने कुछ कहा नहीं, डर के मारे दुखी हो गई।
दुखी होगा कि भाई तुम कहीं दूसरा ब्याह मत कर लेना, इस समय कहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा इसको। लेकिन संसार में नियम है, माया को हम पकड़ते हैं, माया हमको नहीं पकड़ती है। एक गुरु शिष्य जा रहे थे स्नान करने एक नदी में, और उस नदी में एक भालू बहता जा रहा था। काले रंग का भालू होता है, और शिष्य ने देखा, उसने समझा कोई कंबल बह रहा है, तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी कंबल बह रहा है, देखो बड़ा बढ़िया कंबल है काला काला, इसको ले आऊं? उनका क्या करना है बेटा, कंबल फंबल नहीं, गुरुजी उड़ने का काम आएगा। वो तैर कर गया, उसको पकड़ा, भालू ने उसको पकड़ लिया। अब वो डूबने लग गया, तो उन्होंने कहा कि अरे क्या कर रहा है बेटा, छोड़ दे कंबल, वजन नहीं झेल रहा है तो छोड़ दे, कंबल के लोभ में क्या मरेगा। तो बोला गुरुजी मैं तो छोड़ रहा हूं, लेकिन कंबल हमको नहीं छोड़ा है। आखिर में डूब गया, मर गया। तो अब हम लोग वही करते हैं, किसी की स्त्री मर गई तो दूसरा ब्याह करेंगे, बच्चा नहीं है तो किसी दूसरे बच्चे को गोद लेंगे। यानी अपने आप हम कंबल को पकड़ते हैं, कंबल हमको नहीं पकड़ता है। आसक्ति के लिए हम लोग भूखे हैं, साधु बन गए तो शिष्य बनाएंगे, कोई मोटा आसामी सेठ बन जाए फंस जाए, और इसलिए संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ा है। यही बात गोकर्ण ने अपने पिता से कही, 60 साल के होने के बाद भी उनको भगवान की प्राप्ति भई। क्योंकि उन्होंने चार अचर सब आसक्तियों को छोड़ दिया एक क्षण में। और ये प्राप्ति क्या है, जैसे मान लो धन की प्राप्ति भई, धन हाथ में चिपक गया, अब जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? धन के दोष 15 हैं, स्त्रियम हिंसा अनृतम दंभ काल काम क्रोध स्मयो मदः। हाँ, भेदो वैरम अविश्वास सहस्पर्धा व्यसनानी च। पैसा हाथ में आया और चोरी करनी पड़ेगी, छिपा के रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो कोई ले जाएगा। स्त्रियम माने चोरी आ गई तुम्हारे मन में कि हमारा पैसा कोई ले न ले। पैसे के छूते मान पहला दुर्गुण गाया स्ते आया। हिंसा आ जाएगी, झूठ बोलोगे सत्य की हिंसा हो गई।
कोई प्राणी दुखी है और तुमने पकड़ रखे पैसा, मरे दुनिया मर जाए हमें क्या मतलब, बिना हिंसा के पैसा नहीं होता है। अंतरतम झूठ बोलना पड़ेगा, सबसे झूठ बोलोगे, बेटे से, स्त्री से, माँ से, बाप से। पैसा मनुष्य छिपाता है अपने माँ से, बाप से, भाई से, हर आदमी से सत्य नहीं बोलता है। तीसरा दोष अंधत्व, झूठ बोलना पड़ेगा। कहीं जा रहे हो, पैसे किसी ने पूछा, पैसे हैं, छिपाओगे, हमारे जेब में है 10,000, नहीं कहोगे, जेब कट जाएगी। पग पग पर झूठ बोलना पड़ेगा। स्त्रियम हिंसा इंद्रतम दंभ, दिखावा आ जाएगा पैसे में। ये सारा संसार दंभ में, सारा संसार फंसा हुआ है। हम अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हैं? अपने को अच्छा दिखाने के लिए। काले हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, कालापन छिप जाए। श्रृंगार जितना है वो दंभ के लिए होता है, दिखाने के लिए। ये चौथा दोष आ गया। लोग भंडारा करते हैं ना दंभ नाम के लिए, दंभ के लिए। काम इच्छा पैदा हो जाएगी, इस पैसे को क्या करें, खर्च कहां करें। पैसा हाथ में आया और कामना पैदा हो गई, कहां खर्च करें। क्रोध आ जाएगा, पैसा कोई तुम्हारा ले रहा है या नहीं दे रहा है, तो खींच आ जाएगी मन में। गुरु शिष्य पर गुस्सा करता है, हमने देखा है। यहां तक कि वृंदावन में घटना घटी थी, किसी नामी महात्मा ने, नाम नहीं बताएंगे, अपने बेटे, अपने शिष्य को आम के रस में जहर दे दिया। धन के लोभ में गुरु होकर के शिष्य को मार डाला। तो कामा क्रोधा, क्रोध आया, नहीं दिया इसने हमको, स्मय गर्व आ जाता है। पैसे वाले में ऐठ होती है, सब जानते हैं। मद मन नशा, जैसे नशा होता है, खोपड़ी पर चढ़ जाता है। ये हमारे यहाँ पहले कीर्तन होता था, ऊपर छत पर झोपड़ी थी, तो उसमें ठाकुर जी का चित्र रखते थे सामने। और एक दिन क्या हुआ, किसी आदमी को किसी ब्रजवासी ने भांग खिला दिया। अब वो कीर्तन करने आया, अब भांग के नशे में बोला, बाबा देखो ठाकुर जी साक्षात नाच रहे हैं। यानी ऐसा जैसे अनुभव होता है, हम समझ गए भांग चढ़ गई है। शराबी शराब पीता है और जर बक देता है, जानता नहीं सारे, नशे में बोली बदल जाती है। वैसे जो पैसा है ये नशा पैदा करता है, मद। नवा दोष है भेद,
मेरा पैसा या तुम्हारा पैसा। यहाँ तक कि स्त्री अलग कहती है हमारा कोर्चा, अब पति अलग है उसका पैसा अलग है। भेद अवश्य पैदा करता है, गुरु शिष्य में करता है, भाई भाई में करता है। दसवां दोष है वैर। जितने भी लड़ाइयां हो रही संसार में पैसे के लिए, और अब युद्ध चल रहा है ब्लैक गोल्ड तेले की तेल के लिए, कई देश लड़ रहे हैं, फिर अविश्वास, पैसा तुम्हारे गायब हुआ तो तुम सोचोगे किसने लिया, अविश्वास हो जाएगा उसने लिया होगा, अच्छा वहां शंका जाएगी, संस्पर्धा होड़ आ जाएगी, उसने इतना पैसा पैदा किया। व्यापारियों में क्या, साधुओं में होड़ होती है, उसने इतना दक्षिणा दिया हम इतना देंगे, भंडारे में होड़ होती है। ये क्या है, धन का दोष है। पंद्रवा दोष है व्यसनानी। व्यसन दुनिया के जितने भी गंदी आदतें हैं पैसे में हैं। पैसा होता है तो शराब पीता है, पैसा होता है तो भूख करता है, गरीब से गरीब आदमी बीड़ी पीता है, ये क्या है व्यसन। कोई तंबाकू खाता है, क्या है व्यसन। अनेक आदतें बन जाती हैं पैसे से। इसलिए जितने भी कथा कहने वाले हैं ये इस दोष में मारे जाते हैं। पैसा आया चिपक गया, और छूटेगा नहीं, मद है, जैसे नशे वाला बीड़ी नहीं छोड़ सकता, तंबाकू नहीं छोड़ सकता, वैसे जिसको मद है शराबी शराब नहीं छोड़ता। पैसा छूटेगा नहीं, नशा है चढ़ गया तुम्हारी बुद्धि पर, कभी नहीं छूटेगा, मर जाओगे फिर भी नहीं छूटेगा। जब हम लोग तंबाकू बीड़ी छोटी चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर जहां 20-20 लाख रुपए के कथाओं में आ रहा है उसको कैसे छोड़ सकता है आदमी, कभी नहीं छोड़ता। या तो ऐसी कृपा हो जाए भगवान की जैसे अम्बरीश जी पे थी, 9वें स्कंद में 4th अध्याय में, ऐसी संपत्ति आज तक किसी के पास नहीं भई। देख लो 9-4 अम्बरीशो महाभागः, सातों द्वीप के राजा थे, सतप द्वीपवती पति, अव्यय लक्ष्मी थी, अव्यय लक्ष्मी किसी के पास नहीं है, देवताओं के पास नहीं है, असुर लोग जीत लेते हैं। अव्यम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि, और पृथ्वी पर ऐसा वैभव कहीं नहीं था, अतुल माने कहीं था ही नहीं। इतना वैभव होने के बाद भी
मैंने ऐसा पुंसाम दुर्लभम मनुष्यों को तो आज तक मिला नहीं इतना वैभव। इसलिए कह दिया आप दुर्लभ है, और उसको वो सपना समझते थे, तर्वम स्वप्न सबस्तुतम, ऐसा धन सपना है। क्यों? सच्चे विद्वान मने जानने वाले थे। विभव निर्माणम, ये धन संपत्ति वैभव ये तमोगुण मिले जाता है अंधकार में, एक दिन हमको मार डालेगा। ये अंधकार है जो इतना बड़ा संपत्ति आ गया, अव्यय लक्ष्मी आ गई, अतुल वैभव आ गया, ये अंधकार है। इसमें से फंसने के बाद हम कभी नहीं निकल पाएंगे। ऐसा विवेक कहाँ है हम लोगों में? अगर ऐसा विवेक हो जाए तो वही स्थिति हो जाएगी जो भगवान ने गीता में कहा, यो निहृष्यति न द्विष्टि, न उसको प्राप्ति में खुशी होगी और न जाने में दुख होगा। न शोचति न कांक्षति, कभी शोक नहीं होगा। कांक्षा इच्छा नहीं होगी, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। ऐसी स्थिति हो सकती है, इसीलिए भगवान ने कहा ये होती है उनकी कृपा से। ये जो प्रश्न था जिसने भी लिखा है उसका उत्तर था, इतनी बड़ी कृपा केवल भगवान देता है। हम लोग तो 5 रुपए के नोट को भी बहुत बड़ा मानते हैं, 100-200 तो आगे, 5 रुपये भी आ जाता है तो उसको समझते हैं वाह। ये केवल भगवान की कृपा से होता है। मनुष्य में न ये सामर्थ्य न है न होगी। ये स्वयं भगवान ने कहा है, देख लो 8वां स्कंद में भगवान ने कहा है, आठ बाईस ने 23वां होगा शायद, जन्म कर्म वयो रूप 22 को 26 है, जन्म कर्म वय जवानी है, सुंदर रूप है, विद्या है, पढ़ा लिखा है, ऐश्वर्य है, मालिकियत दुनिया में, धन है, और मान स्तंभ नहीं हो रहा है तो मेरी कृपा समझना। तत्रायम मद अनुग्रह, नहीं तो अनुग्रह नहीं रहता है तो क्या है? अच्छे जन्म में घर हुआ, पैदा हुआ, आदमी इतराता है, हम राजा के बेटे हैं, अच्छा कर्म किया इतराता है, मैं इतने दिन तपस्या किया, वय माने जवानी,
आई और इतरा के चलता है आदमी, अच्छा रूप मिल गया इतराए गए, अच्छा पड़ गया इतराता है, क्या समझता है बेवकूफ मूर्ख हमारे सामने बात बनाता है, ऐसी बात हम लोग बोलते हैं। ऐश्वर्य आया है तो मान बढ़ेगा, ईशता माने हुकूमत ऐश्वर्य कहते हैं, ये सब चीजें मान और स्तंभ पैदा करती हैं, ऐठ। केवल भगवान की कृपा होगी तो नहीं होगा, नहीं तो अवश्य होगा। जय श्री राधे। Yeah.